रेडी है चले बोले रेडी सर। दिन में आप सभी लोगों को बैठक के बारे में हम लोगों ने सूचित किया था, उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि जातीय जनगणना को लेकर के विपक्ष के सभी नेता जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से जो है जातीय जनगणना का प्रस्ताव जो है पारित किया था, जिसमें कि बीजेपी खुद अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी एनडीए की सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ लिखित रूप से मना कर दिया जातीय जनगणना। अभी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया होगा नीट को लेकर के, ओबीसी जो सीटें जो पदे जो खाली थी, जिसका संघर्ष लगातार हम लोगों की जो लड़ाई हम लोगों ने जो लड़ी, प्रधानमंत्री जी का कहना कि भाई एक ऐतिहासिक ये है। मेरा मानना है कि बीजेपी और आरएसएस जो है लगातार आरक्षण विरोधी रहे, गोवलकर के और बंच ऑफ थॉट्स के किताबों पर विचारधारा पे वो लोग चलने वाले लोग रहे। अगर 4 साल तक अगर ये इतने बड़े हितैषी होते हैं तो 4 साल तक 14,000 नीट का सीट क्यों खाए हुए होते, पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन लोगों को लड़ना पड़ा, अड़ना पड़ा। और लोकतंत्र में जीत उन्हीं की होती है जो लोग लड़ते हैं, जो अपने अधिकार हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसमें जितने भी संगठन थे ओबीसी को, जितने भी छात्र रहे हैं, उन सबको हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी लड़ाई जो है किसी के कृपा से नहीं मिला, बल्कि आपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे, खड़े रहे, गिरे नहीं, झुके नहीं, तब जाकर के आपने ये जीत हासिल की है। लेकिन ये ऐतिहासिक तब होगा, कई फैकल्टी में भी ओबीसी के बैकलॉग जो है जब तक वो पूरा नहीं होता, यानी फैकल्टी में भी जितने ओबीसी के बैकलॉग्स हैं, जब तक उसको पूरा सरकार नरेंद्र मोदी जी नहीं करते। और असली ऐतिहासिक कदम तो तब होगा जब जातीय जनगणना कराई जाएगी। क्यों ओबीसी अति पिछड़ा को छोड़ दिया गया या अन्य जातियों को छोड़ा गया? तो इसी सिलसिले में, क्योंकि बिहार विधानसभा ने पारित किया है, तो कल हम लोगों ने जैसा कहा कि सभी विपक्ष के नेता लोगों ने समय मांगा था मुख्यमंत्री जी से, और वाकई में मुख्यमंत्री जी को तो पहले ही, क्योंकि उनकी सरकार है, उनको तो करवा लेना चाहिए था, डबल इंजन की सरकार है, वो हिस्सेदार रहे हैं। लेकिन फिर भी भले ही अलग पार्टी है, विपक्ष पक्ष है, लेकिन सर्वसहमति से जो पास हुआ था, उसलिए हम लोग मुख्यमंत्री से कल 1 बजे जो है हम मुलाकात करने जाएंगे। मिलने का समय हम लोगों को विपक्ष के नेताओं को दिया गया है, जो एक्सटेंशन जो हुआ है नए बिल्डिंग का, वहाँ हम लोग विस्तारित भवन में हम लोग जाएंगे विधानसभा, वहाँ हम लोगों की मुलाकात होगी। लेकिन 2 चीज़ें हम फिर से कहेंगे कि 2 प्रस्ताव हम जो है मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं, वो जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, कि भाई पहला प्रस्ताव की विधानसभा की भी हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर लिया, चाहे कार्य मंत्रणा बैठक में हमारी बात को नहीं रखने दिया गया हो, या विधानसभा में हमारे प्रस्ताव को आज जो कार्यस्थगन प्रस्ताव था उसको खारिज किया गया हो, पूरी बात को भी वक्तव्य को भी नहीं कंप्लीट कर दे दिया गया, तो हमारे पास कोई उपाय बचता नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग यही हैं। और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, वही एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है। तो हम मुख्यमंत्री से मिलकर यही 2 प्रस्ताव रखेंगे कि भाई एक कमेटी बनाई जाए विधानसभा की, क्योंकि सर्वसम्मति से पास हुआ था, जिसमें हर पार्टी के सदस्य हों, और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जाए, और मिलने का समय मांग करके प्रधानमंत्री को इस विषय के बारे में बताया जाए कि हम लोगों ने विधानसभा से
सर्वसम्मति जिसमें प्रधानमंत्री जी आपकी भी पार्टी शामिल थी, इस चीज को जातीय जनगणना वाले मामले में आप जो है अनुमति दें और जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराएं। ये पहला प्रस्ताव होगा। अगर दूसरे प्रस्ताव की नौबत आई तो हमने पहले भी बोला कि अगर मुख्यमंत्री इस पे राजी नहीं होंगे और कई बार बयानों में कहते हैं कि होना चाहिए, तो खाली कहने से नहीं ना होता है, उनको तो करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो अगर नहीं पहला प्रस्ताव मंजूर होता है तो दूसरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार, जैसे कि कर्नाटका सरकार ने अपने खर्चे पर जाति जनगणना कराई, उसी प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री अगर चाहते हैं, क्योंकि तो हम लोगों की मांग रही है, हम लोगों ने तो बिहार बंद कर रखा है, लालू जी खुद स्वयं रोड पे सड़कों पे उतरे थे, लेकिन अगर कराना चाहते हैं तो खुद खर्चे पे राज्य सरकार कराए। और हमारा जो प्रतिपक्ष का, जो विपक्ष का, या एज अ मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, आखिर किस मुंह से हम किस जनता को दिखाएंगे कि भाई हम लोगों ने सब सर्वसम्मति से पास कराया और ये काम नहीं हो पाया। महत्व क्या रह जाएगा इस विधानसभा का कि बार बार प्रस्ताव सर्वसम्मति से भी भेजा जा रहा, फिर भी जो है वही सरकार जो है जो बिहार में है वही केंद्र में, वो सुन नहीं रही है। बीजेपी के लोगों से पूछिए तो ज़रा वो लोग शामिल थे। इसलिए हम लोग जो है कल 1 बजे हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री जी से होगी, लेकिन नीट के मामले में बोलेंगे कि 4 साल तक आप लोगों ने इतने पदों को, 14,000 पदों को खाने का काम लड़ना पड़ा। SC ST कानून था, जब लोग सड़कों पे आए, भारत बंद किया, तब जाकर के फैसला वापस लिया गया। आखिर ये नौबत क्यों आती है? और प्रधानमंत्री जी को ये भी स्पष्ट करना चाहिए, जितने भी मंत्री और MP हैं भाजपा के, OBC के, सब कठपुतली हैं, सब के सब कठपुतली हैं, बिना कोई काम के खाली फिजुल्ला आदमी सब लोग बैठा हुआ है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप सही में हितैषी हैं OBC के, तो जितने फैकल्टियों का जो बैकलॉग है उसको आप पूरा कीजिए, और असली ऐतिहासिक कदम तब होगा। हम सभी OBC नेताओं से, पिछड़े अति पिछड़े सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि भाई असली जीत आपकी तब होगी जहाँ कुत्ता बिल्ली का गिनती होता है, हर धर्म का गिनती होता है, SC ST का गिनती होता है, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा और अन्य जातियों का क्यों नहीं होता भाई? तो असली काम अगर आप कठपुतली नहीं है कि खाली फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ खिंचाइएगा, असली काम है जातीय जनगणना। जब पता चलेगा आप कितने हैं, उसी हिसाब से ना बजट में प्रावधान होगा और आपके लिए योजना बनेगी, तब विकास का काम होगा।